जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने अपने चंबा दौरे के दौरान डलहौजी विधानसभा के भलेई का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भलेई क्षेत्र में भी उपयुक्त स्थान पर जल शक्ति विभाग का निरीक्षण कुटीर भवन बनाया जाएगा। इसके लिए विभागीय अधिकारी प्राथमिकता के आधार पर औपचारिकताएं जल्द पूर्ण करें। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्राथमिकता के आधार पर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री नारी नमन योजना के तहत हिमाचल पथ परिवहन निगम की साधारण बसों में 50% किराए में छूट प्रदान की गई और ग्रामीण क्षेत्रों में पानी के बिल माफ किए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार धारा 125 यूनिट तक बिजली भी फ्री की गई है। इस दौरान जल शक्ति मंत्री ने 17 पात्र लाभार्थियों को गृहिणी सुविधा योजना के तहत गैस कनेक्शन वितरित किए। कार्यक्रम के दौरान जिला कृषि उपज मंडी समिति के अध्यक्ष डीएस ठाकुर ने जल शक्ति महेंद्र सिंह ठाकुर का स्वागत किया और शाल टोपी व चंबा थाल भेंट कर सम्मानित किया। जल शक्ति मंत्री की धर्मपत्नी शीला ठाकुर को भी शाल व टोपी भेंट कर सम्मानित किया गया। डीएस ठाकुर ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र डलहौजी के तहत गत 4.5 वर्षों में प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अगुवाई में करोड़ों रुपए की विकासात्मक योजनाओं के माध्यम से विकास को सुनिश्चित बनाया गया है। मंडल अध्यक्ष विजय ठाकुर ने जल शक्ति मंत्री का अभिनंदन किया और कल्याणकारी योजनाओं का भी जिक्र किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अभियंता जल शक्ति विभाग धर्मशाला जोन एस के कानोत्रा, अधीक्षण अभियंता रंजीत चौधरी, अधिशासी अभियंता देशराज, एसडीएम सलूनी डॉक्टर स्वाति गुप्ता, एसडीपीओ सलूनी आईपीएस मयंक चौधरी व पार्टी पदाधिकारियों सहित गणमान्य लोग मौजूद रहे। भाई और बहनों, इस देश में 2014 में बहुत बड़ा बदलाव है, जिस बदलाव की किसी ने संभावना भी नहीं थी, किसी ने सोचा भी नहीं था। लेकिन एक ऐसा भारत माता का सपूत, एक ऐसा हमारा भारतवासियों का सेवक, जिसमें भारत वर्ष के अंदर रहने वाले हर शख्स से, हर समुदाय के लोगों से आप एक बात को लेकर चलो कि हमें भी इस बार एक बहुत बड़ा बदलाव करना है। अगर डीएस ठाकुर के प्रयासों से माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी ने और प्रदेश के जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने अगर एमएलए ना होते हुए भी पानी के महकमे में अगर 300 करोड़ रुपया खर्च किया हुआ है, जब एमएलए बनेगा तो आप सपना देवी भाई को कमल कुमार और इस कार्यक्रम के लिए जो भी हमारे टीचर डीएसपी सोने ये हमारे बारह परिवार थे जिनको गैस के कनेक्शन मिले हैं। धन्यवाद।